कृषि कानून रद्द करने की मांग को लेकर किसान आंदोलन को 7 महीने पूरे हो गए हैं, जिसको लेकर शनिवार को किसान संगठनों ने अपनी बात को राष्ट्रपति तक पहुंचाने का फैसला लिया और इसी संदर्भ में पिंजौर कालका क्षेत्र से भी सैकड़ों की तादाद में किसानों ने भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चुडूनी की अगुवाई में राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपने के लिए गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब के प्रांगण में इकट्ठे हुए। इस मौके पर गुरुद्वारा साहिब के हेड ग्रंथी सरदार जगजीत सिंह, मैनेजर सरदार भगवंत सिंह टंगेड़ा, कलगीधर मानव सेवा मिशन के संस्थापक डॉक्टर हरनेक सिंह हरि ने गुरनाम सिंह चुडूनी के गले में सिरोपा डालकर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा किसान नेताओं और किसानों का हार्दिक स्वागत किया। इस मौके पर किसानों के लिए ठंडी लस्सी, मीठी छबील और लंगर का भी विशेष प्रबंध किया गया। इसके बाद करीब 1 बजे दोपहर को किसान गुरुद्वारा श्री नाडा साहिब से नतमस्तक होकर रवाना हुए और पुलिस द्वारा पंचकुला चंडीगढ़ में कई जगह बैरिकेड लगाकर वो वेटर कैनन छोड़कर किसानों को रोकने के प्रयास किए गए, परंतु किसानों ने एकजुट होकर चंडीगढ़ पहुंचकर डीसी को राष्ट्रपति के नाम उनकी मांगों को पूरा करने के लिए ज्ञापन सौंप दिया।